अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। आज हम रिएक्ट में ये कॉन्सेप्ट में राउटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो राउटिंग बेसिकली होता क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह पे स्विच करना। तो रिएक्ट क्या है कि रिएक्ट में ए वन पेज एप्लीकेशंस डेवलप किया जाता है। जो भी हम वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं वो हमारा वन पेज में आ रहा है। तो जब हम कोई वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं तो वेबसाइट्स पे हम लोग जनरली हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं या रहते हैं जनरली किसी भी वेबसाइट में। जैसे आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो सपोज किसी भी वेबसाइट को जैसे जब आप ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट में आप देखते हैं बहुत सारे मेनूज वगैरह आते हैं। जैसे इस तरीके से होगा, यहाँ पे लिस्टिंग होगा मेनू मेनूज का, और जैसे यहाँ पे अबाउट अस लिखा हो, कॉन्टैक्ट अस लिखा हो, लॉगिन लिखा हो, साइन अप लिखा हो, इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट्स हैं। आप किसी भी मेनू पे क्लिक करते हैं तो देन यू हैव अ न्यू पेज, तो वो एक नया पेज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हम लोग अपने रिएक्ट ऐप में क्रिएट करेंगे। लेकिन रिएक्ट हमारा क्या है कि वन पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। तो अब वन पेज एप्लीकेशन है और हमें चाहिए मल्टीपल पेजेस, तो वो सारे पेजेस को कंबाइंड किया जा रहा है एक पेज के अंदर में। तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आता है राउटिंग का। जैसे हमने बहुत सारे कंटेंट्स लिखे, बहुत सारे पेज बनाए, अब हम इस पेज पे हैं, ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे साइट का है। अब यहाँ से किसी दूसरे पेज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन वो पेज इसी पेज में आना चाहिए, वो दूसरा पेज ओपन नहीं होना चाहिए। यूजर को यह फील आना चाहिए कि वो एक ही पेज पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक ही पेज का रहा है, अलग अलग पेज नहीं खुल रहे हैं। तो जनरल वेबसाइट्स है जो रिएक्ट में डेवलप नहीं होंगे, तो आप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी नए मेनू पे क्लिक कर रहे हैं या हम किसी आइटम पे क्लिक कर रहे हैं, क्या कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो कुछ सेकेंड्स मिनट्स लगते हैं हमारे पास अगला इंफॉर्मेशन आने में। यानी उस ड्यूरेशन में वेब सर्वर क्या कर रहा है, उस नए पेज को कॉल करके हमारे पास भेज रहा है। लेकिन अब यहाँ रिएक्ट में क्या होगा कि हमारा वो जो पेज है वो डायरेक्ट इसी पेज में ओपन हो जाएगा। यूजर को लगेगा कि उसे वेट नहीं करना पड़ा, उसका जो अगला इंफॉर्मेशन था वो उसी पेज में डायरेक्टली ओपन हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे अब एक राउटिंग कंसेप्ट आता है। तो राउटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे नेटवर्किंग में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम ए नेटवर्क जब एस्टेब्लिश करते हैं तो एक बीच में राउटर होता है जो सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा नेटवर्क वन है, ये नेटवर्क टू है, ये नेटवर्क थ्री है, ये सब इस राउटर के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये राउटर क्या कर रहा है, बीच में कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा रिएक्ट का राउटर है वो भी एक तरीके से ब्रिज है मल्टीपल पेजेस के बीच में, जिससे कि अगला पेज डायरेक्टली उसी जगह पे ओपन होगा। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर इन रिएक्ट जेएस। तो हम बहुत सारा पेज बनाएंगे, मल्टीपल पेज हमारा क्रिएशंस होगा, लेकिन वो सारे पेज एक ही पेज में यूजर के लिए व्यूज होंगे, व्यू होंगे, उनको लगेगा वो एक ही पेज पे काम कर रहे हैं और वही पेज उनके सामने कंटिन्यूअसली स्क्रॉल होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास राउटर कंसेप्ट आता है, और राउटर के मदद से हम सारे पेजेज को आपस में लिंक कर लेते हैं, जिससे कि यूजर को वहीं पे एक ही पेज में लगता है कि सारे पेजेस ओपन होते चले जा रहे हैं। तो राउटर का जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट जो है राउटर को यूज करने के लिए हमें
फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो उन फीचर्स को हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो तीन तरह का पैकेजेस हम लोगों को रिएक्ट प्रोवाइड करता है, रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर नेटिव एंड रिएक्ट राउटर डूम। तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशंस के लिए है, फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर नेटिव जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज करने के लिए लाइब्रेरी है। दीज आर द लाइब्रेरीज हम लोगों को यहाँ पे फंक्शंस मिलेंगे। और हमारे वेब के लिए, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए रिएक्ट राउटर डॉम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हमको लाइब्रेरी मिलेगा राउटर्स फीचर को हैंडल करने के लिए। अब इस राउटर को हैंडल करना है तो ये लाइब्रेरी हमारे पास चाहिए, तो इस लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का ये कमांड है, npm install react-router-dom-save। तो ये क्या है, ये इंस्टॉल करना है, npm हमारा इंस्टॉलेशंस ये कमांड है। ये शुरू के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ npm के बारे में, नोड पैकेज मैनेजर। और ये इंस्टॉल कमांड है जो इंस्टॉल करता है न्यू लाइब्रेरीज को, और ये हमारा लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम जो कि वेब ब्राउजर्स के लिए यूज किया जाने वाला राउटर का लाइब्रेरी है, राउटर के फीचर्स हमको इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे npm install। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए react router, जो भी लाइब्रेरी हमें चाहिए हम उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं अपने इस इंस्टॉल्ड फीचर्स npm के अंदर। तो npm नोड पैकेज मैनेजर ये इंस्टॉल करेगा, किस चीज को इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट राउटर डोम। हम सिर्फ रिएक्ट राउटर को नहीं करेंगे, रिएक्ट राउटर के साथ डोम करेंगे, और जो कि हमारी वेब ब्राउजर का लाइब्रेरी है। और फिर हम माइनस माइनस और देंगे सेव, देन हम एंटर प्रेस कर लेंगे। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक दो मिनट तीन मिनट लगेगा आपके सिस्टम में, आप वेट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन लिखता रहेगा इंस्टॉलिंग, एंड देन जैसे ही कंप्लीट होगा वो हमें मैसेज दे देगा, दिस इंफॉर्मेशन, दिस लाइब्रेरी इज और इंस्टॉल्ड। ये इंस्टॉल हो गया हमारा, हम इसके बाद अब हम रेडी हैं अपने रिएक्ट पे काम करने के लिए डॉम के राउटर के साथ। तो अब हम लोग रिएक्ट के साथ राउटर को यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो रिएक्ट के साथ हम लोग राउटर का जब यूज करना चाह रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो तीन पेज होनी चाहिए। यानी अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो हमारा एक सिंपल सा एक छोटा छोटा एप्लीकेशंस बना, एक ही पेज पे उसका सारा काम हो गया। लेकिन अब हमारे पास मेनू होगा और उस मेनू पे जब यूजर क्लिक करेगा देन उसके पास नया पेज खुलेगा। तो फॉर द एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया है about.js। यह हमारा बेसिक पे सिंपल सा एक पेज है, इस पे रिएक्ट के अंदर हमारा जेएस पेज है, जावास्क्रिप्ट पेज है। तो इस पेज में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ हेडर के फॉर्म में, अबाउट लिखा हुआ। इसके बाद हम एक और पेज बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक और पेज बना लिया contact.js। तो ये मेरा दो पेज हो गया। और app.js जो कि हमारा बेसिक पेज है जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता ही होता है app.js में, उसमें हम कोई चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग अपना फर्स्ट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं npm के थ्रू तो हमारे पास app.js पेज आता है, जहां से सारे हमारे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमारा बेसिक पेज है। तो ये हमारा दो पेज एडिशनल बना, एक about.js और एक contact.js। तो इसमें मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, बस जस्ट हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट को, एक क्लास बनाया
यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नाम का क्लास बनाया कॉन्टेक्ट डॉट जेस फाइल में, और अबाउट डॉट जेस में अबाउट नाम से क्लास बनाया, और हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, इनहेरिट किया रिएक्ट कॉम्पोनेंट क्लास को। तो ये हमारा एक कॉम्पोनेंट है, तो हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्पोनेंट जब हमें बनाना है तो हम लोगों को इनहेरिट करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट क्लास को। और यहाँ से हम रेंडर कर रहे हैं बस एक इंफॉर्मेशन, एक टेक्स्ट कॉन्टेक्ट नाम से। अब यहाँ पे जो भी रेंडर करना होगा इस पेज पे हम लोग यहाँ पे रेंडर करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, बस सिंपल एक पेज रेंडर, एक टेक्स्ट रेंडर कर लिया। ये हमारा दो तीन पेज क्रिएट हुआ, एप डॉट जेएस हमारे पास पहले से था, अबाउट डॉट जेएस और कॉन्टेक्ट डॉट जेएस, हाँ दो जावास्क्रिप्ट फाइल हम लोग क्रिएट कर लिए ना। अब हम लोग आएंगे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर। तो अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल शुरू से दिया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपना एक फाइल बनाते हैं और उसको इंडेक्स डॉट जेएस में कॉल कर लेते हैं। जनरली आप जहां भी एग्जांपल्स को देखेंगे तो आप मेरे इस टीचिंग में और अदर टीचिंग में आपको फर्क ये मिलेगा रिएक्ट के अंदर कि जनरली लोग क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस में ही चेंजेस करते रहते हैं और उसके साथ आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, यानी वो एडिशनल पेजेस अभी तक किसी कोई नहीं बनाएगा। लोग तब आपको नया पेज दिखाते हैं जब वो राउटर के कंसेप्ट पे आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को शुरू से ही एडिशनल पेज बना रहा हूं, बट हम लोगों ने अभी तक राउटर को यूज नहीं किया। राउटर का कंसेप्ट मैं आज आपको बता रहा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी पेज बनाया आपने देखा होगा मैं हर पेज का एक फाइल अलग क्रिएट करता हूं और उसको इंडेक्स डॉट जेएस में यूज कर रहा हूं। तो ऑलमोस्ट हमने हाफ डन कर लिया, राउटिंग के कंसेप्ट का आधा हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले से, बस अब उसको राउटिंग के फॉर्म में लाना है। तो राउटिंग के फॉर्म में लाने के लिए आधा तो हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंपोर्ट, ऐप तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, हम लोगों ने इंपोर्ट किया अबाउट को कॉन्टेक्ट को, तो ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये तीन एडिशनल पेज हो गए, हमारे इस वेबसाइट में तीन पेज हो गए, एक पेज हमारा ऐप का है, दूसरा पेज अबाउट का है, तीसरा पेज कॉन्टेक्ट का है। तो ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, अब हम लोगों को क्या देखना है कि इन तीनों पेजों को एक साथ हम कैसे रेंडर करेंगे। तो इन तीनों पेज को रेंडर करना है, तो अब हमें यहाँ पे राउटर का जरूरत पड़ेगा, तीन पेज को आपस में लिंक करना है एक राउटर के मदद से। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राउटर क्या होता है, राउटर जैसे बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट में क्या आता है कि एक राउटर होता है जो कई नेटवर्क को जोड़ता है। जनरल लैब में भी आप लोग कहीं पे भी देखते होंगे जो छोटा मोटा लैन नेटवर्क भी है वहां पे क्या होता है कि एक बीच में स्विच लगा होता है और सारे कंप्यूटर्स वहीं से कनेक्टेड है, तो वो स्विच क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे अब हम लोगों को वही काम, यहाँ पे पेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया राउटिंग नाम से, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे राउटर, ये राउटर क्या है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं राउट लिंक। ये दो चीजें हैं, एक रूट है हमारा, एक लिंक है। और ब्राउजर राउटर एज राउटर, अभी मैंने कौन सा हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, हम लोगों ने इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डॉम जो कि ब्राउजर राउटर का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास तीन तरह का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट राउटर, तो हमने रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल किया, तो रिएक्ट राउटर हम लोगों को ब्राउजर का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा ब्राउजर राउटर है जिसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्राउजर राउटर को ब्राउजिंग के दौरान राउटिंग करने के लिए पेजेस के बीच में। तो ये हमारा ब्राउजर राउटर हुआ जिसको हम इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए राउटर, राउटर हमारा वेरिएबल है। तो ये जो ब्राउजर राउटर है यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर, और ये हमारा रूट है, इसके जगह पे हम रूट्स को यूज करेंगे, रूट नहीं रूट्स को यूज करेंगे। वो डिफरेंसेस बिटवीन रूट एंड रूट्स मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो हम यहाँ पे रूट्स करेंगे और ये
अब हम क्या कर रहे हैं, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है। तो ये कंपोनेंट हमारा पहला है ऐप, दूसरा कंपोनेंट अबाउट, एंड तीसरा कंपोनेंट कॉन्टैक्ट, और ये हमारा URL हुआ। ये स्लैश जो दिया गया, ये स्लैश के बाद जैसे लिखा गया अबाउट, तो ये बता रहा है URL का, ठीक है। और ये जो सिंपल पहले ऐप के लिए, यहाँ पे मैंने ऐप नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है। तो ऐप हमारा बेसिक है, होम एप्लीकेशन है, वो होम पेज है, तो वो तो आना ही है, वो रूट से ही कॉल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो भी पेजेज होंगे उस पेज के लिए हमको कंप्लीट URL देना पड़ेगा, स्लैश, और हम कोई URL, इसका नाम रख दिया हमने अबाउट, इसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट, यानी यूजर के लिए ये अबाउट और कॉन्टैक्ट के URL से खुलेगा। अगर यूजर अबाउट लिखता है या अबाउट पे क्लिक करता है तो उसके पास क्या जाएगा, ये अबाउट क्या है, अबाउट हमारा अबाउट जो js का क्लास है जो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और वहां पे जो हम रेंडर कर रहे हैं, तो अबाउट जो js में हम लोग यहाँ पे जो रेंडर कर रहे हैं वो रेंडर हो जाएगा यूजर के ब्राउजर पे। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। इस विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग आते हैं, तो आप ये है हमारा कॉन्टैक्ट जॉर्ज जेस, ये मैंने फाइल पहले से बना लिया हुआ है, इंपोर्ट किया, यहाँ पे रेंडर किया जा रहा है कॉन्टैक्ट एक सिंपल टेक्स्ट को, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट क्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से ये हमारा अबाउट डॉट जेस फाइल है जिसमें हमारा क्लास है अबाउट, इसमें हमने सिंपल रेंडर किया है एक टेक्स्ट अबाउट को, और इस अबाउट क्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेस, तो इंडेक्स डॉट जेस में यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया ये कॉन्टैक्ट को, इंपोर्ट किया अबाउट को, तो ये इंपोर्ट आप जानते हैं, और ये इंपोर्ट हो रहा है रूट्स। मैंने भी बताया था कि हम रूट को नहीं, रूट्स को यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं रूट्स को कर रहा हूँ, और ये हमारा ब्राउजर राउटर एज राउटर। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल राउटिंग बना, इसके अंदर हम राउटर को यूज कर रहे हैं, और ये हमारा रूट्स है, हमारा रूट्स क्या क्या होगा, ठीक है, हमारे राउटर का कौन कौन सा रूट्स होगा। तो हमारे पास तीन रूट हैं, एक है हमारा ऐप, ऐप बेसिक ऐप डॉट जेएस फाइल, उसका क्लास ऐप हमने यहाँ दिया कंपोनेंट, हम इसको एलिमेंट कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है एलिमेंट्स को कॉल करना, जब हम रूट्स यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट यूज करेंगे कॉम्पोनेंट्स के बजाय। तो ये हमारा एलिमेंट है कौन सा, ऐप, और ये यहाँ पे अबाउट, ये हमारा URL हो गया, और इस URL के टाइप करने पे यूजर अगर अबाउट टाइप करता है या अगर हम अबाउट नाम का लिंक देते हैं उस पर क्लिक करता है तो खुलेगा अबाउट डॉट जेएस फाइल का अबाउट क्लास। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे npm start। तो अब हमारा ये रेंडर हो गया, हमारा पहला पेज आ गया रिएक्ट राउटर एग्जांपल, ये ऐप से आ रहा है। अब हम यहाँ पे अबाउट को खोलना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना है, लिंक हमारा क्या है, about अबाउट, हमने क्या लिखा था URL में स्लैश about। तो जैसे ही यूजर अबाउट टाइप करेगा या हम इसका लिंक क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये हमारा अबाउट पेज कॉल हो गया, राउटिंग हो गया उस पेज पे, और ये अबाउट का इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इस पेज पे था वो यूजर के सामने आ गया। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट, तो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज यहाँ राउटिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टाइम नहीं लग रहा है, ये तुरंत पेज डिस्प्ले हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि सेम पेज पे ही वो कंटेंट्स आ गया, क्लियर। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट
राउटिंग का हुआ कि हम राउटिंग करते कैसे हैं, करते क्यों हैं। तो अब इसको आप प्रैक्टिस में जरूर करेंगे इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा राउटिंग के कुछ और कंसेप्ट्स, लिंक जनरेट करने का। अभी तो हम यूआरएल टाइप कर रहे हैं, हम लिंक जनरेट करने के कंसेप्ट को देखेंगे।